Hello my viewers, I'm your host Gurinder Singh and today I'm here with a cue card that is describe a person who wears unusual clothes. And in this cue card you have to say who he is, how you know this person, what kind of clothes he wear and why you consider that his clothes are unusual. So viewers, bahut hi amazing topic hai kyunki bahut sare log unusual clothes to pehante hain. ठीक है, लेकिन अनयूजुअल आप किसे समझते हैं? अनयूजुअल कुछ भी हो सकता है. अनयूजुअल हो सकता है फंकी लूज क्लोथ्स, लोअर पहनना जगह जगह पे, है ना, कहीं किसी के लिए कुछ भी यूज अनयूजुअल हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल आप किसी की बर्थडे पार्टी पे हो, सारे जीन्स वगैरह फॉर्मल क्लोथ्स, एंड वहाँ पे कोई आए विथ लोअर टी शर्ट, कोई फंकी सी लूज सी टी शर्ट एंड विथ बिग शूज, तो दैट काइंड ऑफ स्टफ कैन बी कॉल्ड अनयूजुअल. ओके, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे इस क्यू कार्ड में. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अपने क्यू कार्ड में. सो गाइस, इफ़ यू आर न्यू ओवर हियर, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स. वेल, जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया टॉपिक को, वो कुछ इस तरह से किया है कि मैं एक फैशन फ्रीक हूँ. फैशन फ्रीक मतलब जो बहुत फैशनेबल पर्सन होता है उसको कहते हैं फैशन फ्रीक. मैं एक फैशनेबल पर्सन हूँ, मुझे अलग अलग तरह के कपड़े पहनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. लेकिन मेरे जैसा एक और भी है जिसको कपड़े लेना पसंद है लेकिन वो बहुत ही अनयूजुअल से क्लोथ्स पहनता है. असल में ये जो इंसान है ये मेरा क्लासमेट था और इसका नाम था मनप्रीत सिंह. और आज के टाइम पे मतलब करंटली ही इज़ लिविंग इन कैनेडा. बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये बहुत से वियर्ड से क्लोथ्स पहनता है जिसकी वजह से ही इज ऑलवेज रेड स्पॉट. रेड स्पॉट मतलब सारे इसकी तरफ ही देखते रहते हैं. सो एक बार मुझे एक किस्सा याद है. आई रिमेम्बर वंस इंसिडेंट. क्या हुआ था कि हमारे एक फ्रेंड का बर्थडे था तो हम वहाँ पे गए हुए थे. सारे लोग बहुत ही ज़्यादा ड्रेस्ड अप थे, वेल ड्रेस्ड अप थे, क्योंकि सब ने किसी ने जीन्स पहनी हुई है नई और किसी ने फॉर्मल क्लोथ्स पहने हुए हैं. लेकिन जब ये आया विद वेयरिंग लूज लोअर एंड टी शर्ट, सो ये बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रहा था वहाँ पे. सो इट काइंड इट्स ही वॉज लुकिंग अनयूजुअल ओवर देयर. लेकिन कोई भी एम्बेरस्ड फील नहीं कर रहा था क्योंकि सबको मालूम है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब की थिंकिंग यही है कि वी कैन नॉट जज अ पर्सन विथ हिज क्लोथ्स. ओके, सो इसकी वजह से किसी को भी एम्बेरसमेंट नहीं फील हुई. लेकिन हमने उसको पूछा कि तू ऐसे तेरी जो क्लोथिंग ड्रेसिंग सेंस है वो ऐसे बनी कैसे. तो उसने हमें बताया कि असल में मैं कुछ ऐसे ही क्लोथ्स पहनना पसंद करता हूँ जिसमें मैं अलग दिखूँ और लोगों की अट्रैक्शन मुझे मिल सके. तो इसके अलावा इसको फुटवेयर का भी बहुत ज़्यादा शौक है. तो ये जहाँ पे भी जाता है कोई ना कोई ट्रेडिशनल और मॉडर्न फुटवेयर वहाँ से कलेक्ट करता रहता है. एक बार मैं इसके घर पे गया तो ये घर पे एक स्लीपर जो पहनी हुई थी इसने, वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रही थी क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एक कार्टून शेप की स्लीपर थी. दैट वॉज रियली लुकिंग अनयूजुअल टू मी. सो ये ही एक इंसान है जो मुझे लगता है कि वियर्ड से क्लोथ्स पहनता है. So this is the cue card which I have developed over here. I hope that you all will like it. And if yes, guys, do not miss the sample answer because sample answer is really important. क्योंकि बहुत सारे words जो होते हैं वो आपको sample answer में ही पता लगते हैं. Now without wasting the time, let's start with it. Well, I am a fashion freak. I love to wear latest trending clothes. That's the reason that I have various types of outfits. But here I would like to talk about a person who wears really different types of clothes. Actually, he was my classmate and his name is Manpreet Singh. Currently, he is living in Canada. He was the only one in our group who used to wear loose and extremely bright clothes. Once I remember, we were at the birthday party of one of our friends. And everyone was well dressed. People were wearing jeans or formal clothes, whereas he came wearing lower and extremely unusual t-shirt on which his own face was printed. Although none of my friends felt embarrassed,
Because we all know well that a person cannot be judged by clothes. However, it's a human nature that people always talk about unusual things. Once I asked him that how your choice is completely unique, then he replied me that I love to wear the clothes in which I can become the center of attraction along with being comfortable at the same time. Moreover, he's fond of buying shoes. Therefore, wherever he goes, he purchases traditional as well as modern footwear. Furthermore, at home also he wears a slipper on which the face of some cartoon character is made. So this is a person to whom I know, and he wears unusual clothes. So viewers, I hope that you all liked the sample answer. If yes, do not forget to smash the like button and share it with your friends so that they can get benefits. Thank you for watching.